कल थोड़ी सी नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था। आई एम फाइन दीपक जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको एक साथ, गुड मॉर्निंग। अनिराज जी कल क्लास नहीं हुआ था, गुड मॉर्निंग छाया जी। वाह प्रतीक्षा जी बड़ा क्यूट बेबी दिख रहा है, सो क्यूट। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करना था? कुछ नया टॉपिक था, कुछ चल रहा था, जरा बताएंगे। हाँ सबको एक साथ प्रणाम भाई। स्क्रिप्टिव सिस्टम शुरू करना था कि कुछ हुआ था? अच्छा स्टार्ट करना है, ठीक, ओके ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया। तो पीडीएफ नहीं मिल रहा, ठीक है बात करता हूँ। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है मैं भेज दूंगा उत्सर्जन तंत्र, आज मैं भेज दूंगा। आइए हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र के पहले ये देखेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, उत्सर्जन मींस होता है बाहर निकलना, यानी कि आपके शरीर के वे पार्ट जो कुछ न कुछ पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो उन पार्ट को, उन अंगों को हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग, और जिस पदार्थ को वो बाहर निकालते हैं उस पदार्थ को हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे मान लीजिए आपकी जो शरीर की त्वचा है ये किसको निकालती है बाहर? पसीने को। आपके जो शरीर की जो फेफड़ा है ये किसको निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। आपके शरीर में जो ग्रंथियां हैं ये ग्रंथियां किसको उत्सर्जित करती हैं? एंजाइम्स का। और आपके शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं
ये अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन बोलते हैं, ये किसका उत्सर्जन करती हैं? हार्मोन्स का। तो एक तरीके से ये सब के सब हमारे क्या हो गए? उत्सर्जी अंग। और जिस पदार्थ को ये बाहर निकालती हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे त्वचा क्या निकालती है? हमारे पसीने को बाहर निकालती है। फेफड़ा क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम्स। और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? हार्मोन्स। तो सामान्य तौर पे हम इन सबको बोल देंगे उत्सर्जी अंग और इन सबको बोल देंगे हम उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन उत्सर्जन तंत्र में हम ये चीजों का अध्ययन नहीं करते। डेफिनेशन है वो, परिभाषा वो है कि जो अंग अपने अंदर से पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं उनको हम बोलते हैं उत्सर्जन अंग, और जिस पदार्थों को हम उत्सर्जित करते हैं उनको हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, बट इनको हम उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत इनकी गेस्टर कहां गया पूछना। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत उन पदार्थों को और उन अंगों को पढ़ा जाता है जो आपके शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक होते हैं, मोस्टली नुकसानदायक होते हैं। जैसे हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक, तो शरीर अगर इनका जमाव हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। और इस प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों को हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो जनरली अगर हम ह्यूमन की बात करें, अपने का हमारा सिस्टम पढ़ना है, तो हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? यूरिया। और अगर उत्सर्जी अंग की हम बात करें तो वो है किडनी, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या है हमारे अंदर? यूरिया। और उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। तो किडनी काम क्या करती है? किडनी एक प्रक्रिया करती है हमारे शरीर में जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन। और इस ऑस्मो रेगुलेशन को हम बोलते हैं परासरण नियमन, परासरण नियमन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि यह जो प्रक्रिया होती है आपके शरीर में जल एवं आयन की मात्रा को संतुलित करती है, यानी साम्यावस्था में बनाए रखती है। और इसी प्रक्रिया को एक और टर्म कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस भी कहा जाता है, यानी कि आपके शरीर के अंदरूनी वातावरण, यानी कि जो आपका शरीर का इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में हो, आयन बैलेंस है कि नहीं है, वाटर बैलेंस है कि नहीं है, तो इनकी मात्रा को संतुलित करने का प्रक्रिया जो कहलाती है उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, या तो हम बोलते हैं उसको ऑस्मो रेगुलेशन। तो ब्रिक क्या काम करती है? यही काम करती है कि आपके शरीर को ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया करती है या होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में नमक एवं जल की मात्रा संतुलित रहती है। ठीक है ना, तो इसको संतुलन करने के लिए क्या होगा कि जो साल्ट हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, जो आपके लिए हानिकारक होंगे, उनको ये क्या कर देगी? शरीर से बाहर निकाल देगी। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को ब्रिक शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करती है? यूरिन का निर्माण करती है। ठीक है, तो यूरिन का निर्माण कर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर क्या कर देती है? निकाल देती है। इसलिए मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो क्या है? ब्रिक, किडनी। और प्रमुख उत्सर्जी जो पदार्थ है वो क्या है? आपका
यूरिन, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत यह पढ़ा जाता है कि शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और इस उत्सर्जन तंत्र में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को संपादित करता है हमारा किडनी ब्रिक। इसलिए ब्रिक जो होता है हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, क्लियर। और जिस पदार्थ को यह बाहर निकालता है वह पदार्थ कहलाता है हमारा यूरिया। यूरिक एसिड भी होता है लेकिन प्रमुख रूप से क्या होता है, यूरिया। तो इस वजह से यूरिया को हम बोलते हैं प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, और जो किडनी है हमारा वो है हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग, क्लियर। तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम सारे अंगों का स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ उसी अंग का स्टडी करते हैं जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रिक हो जाएगा, और प्रमुख उत्सर्जी जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, हमारा यूरिया, ठीक है। तो ये तो मात्र एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन हुआ किसके बारे में, एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब दूसरी चीज है, हाँ, लंग्स भी तो मेन पॉइंट है जी प्रमोद जी। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम जो सिस्टम रखते हैं उसमें केवल हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। अब लंग्स का हम अलग से स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ठीक है। तो यहां उत्सर्जन तंत्र में हम किसका स्टडी करते हैं, केवल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने। अब जैसे एनिमल्स में उत्सर्जन हुआ तो क्या प्लांट में भी उत्सर्जन होता है, भाई पौधों को भी तो जीवित रहने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो करते हैं, उनकी कोशिकाओं में भी बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनता है, तो उनको भी वो बाहर निकालते हैं। ये मत समझिएगा कि पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखते भी, ठीक है। तो जैसे आपके जंतु हैं वैसे पादपों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो पादप जो होते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन करते हैं वो सामान्यतः जड़ों के द्वारा सीधे कहां डाल देते हैं, जमीन में कर देते हैं। जबकि जो जली अपशिष्ट होते हैं, जो जल में घुले हुए अपशिष्ट होते हैं, उनको वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें कि प्लांट्स में कैसा होता है, तो प्लांट के केस में क्या होता है कि सामान्यतः जो पौधे होते हैं ये पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है सीधे जड़ों के द्वारा मिट्टी में डाल देते हैं। दूसरी एक और प्रक्रिया होती है कि जड़ों के द्वारा तो डाल देते हैं, लेकिन जड़ें क्या होती हैं, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तो जल के साथ घुले हुए कुछ खनिज लवण उनके अंदर चले आते हैं, अगर वो नुकसानदायक होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हीं खनिज लवणों का जल में क्या कर देते हैं, वो अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करने के बाद उसको कहां भेज देते हैं, पत्तियों में। और इन्हीं पत्तियों में छोटी छोटी एक स्ट्रक्चर होती है, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, इसको हिंदी में बोला जाता है रंध्र। अब ये रंध्र क्या करती है, पत्तियों में जो भी जल में घुले हुए पदार्थ आए हैं उनको एक प्रक्रिया द्वारा, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इनको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या करती हैं, ये अपने अपशिष्ट पदार्थों को वायुमंडल में छोड़ देती है, ठीक है। तो एक तो जड़ों द्वारा वो क्या करती हैं, हानिकारक पदार्थों को जमीन में डाल देती हैं, जल में घुले हुए हानिकारक पदार्थों को
पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में डाल देती हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे पेड़ ऐसे देखे होंगे कि पेड़ की छालों से कुछ लसलसा पदार्थ भी बाहर निकला हुआ आपको मिल जाएगा, जैसे गोंद जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है रेजिन। क्या बोलते हैं? रेजिन। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं संभ। संभ मत याद रखिएगा, रेजिन याद रखिएगा। कभी कभी इसको रंग भी बोला जाता है ना, तो आप दोनों नाम छोड़ दीजिएगा, आप रेजिन पकड़िएगा, है ना, क्योंकि अंग्रेजी जो है ना राक्षसी भाषा है, इसको लिखो कुछ, समझो कुछ और पढ़ो कुछ और व्यक्त करो कुछ होता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो जो पौधे होते हैं, जो पौधों की जो तने होते हैं, इन तनों से कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं, उन पदार्थ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को, हाँ देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्लांट वाला जो ये आप इमेजिन करिए, ये हमारे पौधे हैं और इन पौधों की जो होती हैं ये पत्तियां, ठीक, और ये पौधे की जड़ें हैं, मिट्टी में दबी हुई। तो जो पौधों के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने के फलस्वरूप जो पौधों के अंदर हानिकारक पदार्थ बने वो जड़ों के द्वारा कहां चले गए? जमीन के नीचे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले हुए होते हैं, तो उन पदार्थों को ये पौधे क्या करते हैं, पत्तियों में भेज देते हैं, और पत्तियों के थ्रू ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वो पदार्थ कहां भेज दिए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में पाए जाने वाले विशेष अंगों में होती है जिनको हम बोलते हैं रंध्र, ठीक है। तो रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है कहां पे, पत्तियों में, जिसके कारण इनके अंदर जो हानिकारक पदार्थ है वो क्या चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। एक और प्रक्रिया होती है, जो ये पेड़ के तने होते हैं, इन तनों से कुछ लसलसा पदार्थ बाहर निकलता है, और ये जो लसलसा पदार्थ बाहर निकलता है यह पौधों का वेस्ट मटेरियल है, खराब पदार्थ है, एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ। तो यही ये उत्सर्जन के तौर पे अपने शरीर से क्या करते हैं, उन पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, तो उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, रेजिन, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं संघ, ठीक है, या आप सिंपल सी भाषा समझ लीजिएगा गोंद, ठीक है, जो बाहर निकलता है, ठीक। अब जब ये पदार्थ आपका बाहर निकलता है, तो इन सब पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं वो विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, उन पौधों को हम बोलते हैं कॉनिफेरस प्लांट्स या शंकुधारी पौधे, यानी जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, थोड़ी सी नुकीली होती हैं, और ये प्रायः जो रेजिन निकलता है या पेड़ों की छाल से निकलता है, ठीक है। अक्सर आपको पेड़ मिल जाएगा, आप देखिएगा छाल से कुछ लसलसा पदार्थ निकलता रहता है, ठीक है। अब ये जो रेजिन होता है, इस रेजिन का इस्तेमाल मनुष्य बहुत तेजी से करता है, ये इनके लिए तो उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हाँ पौधों के लिए ये उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये उपयोगी पदार्थ है। अब ये जो रेजिन होता है, ये जो रेजिन है एक प्रकार का ये हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी होती है, और इस रेजिन का जो इस्तेमाल होता है वार्निश बनाने में, अगरबत्तियों, सुगंधित अगरबत्तियों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और कभी कभी यही रेजिन पेड़ की छाल से निकली और जमीन के नीचे दफन हो गई, और जब जमीन के नीचे दफन हो जाती हैं, तो लाखों वर्षों के बाद जब इस रेजिन को प्राप्त किया जाता है, तो आप इमेजिन कर लो ये प्लेटिनम से भी महंगी होती है, एक बहुमूल्य पदार्थ के रूप में मानी जाती है। उन बहुमूल्य पदार्थ का जो नाम है उसको हम बोलते हैं अंबर, दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहुमूल्य पदार्थ जिनको हम बोलते हैं अंबर, ठीक है, और इस अंबर को हिंदी में बोला जाता है गहरुए, ठीक है, गहरुए कहा जाता है, ठीक है, आप हिंदी में समझना, इंग्लिश समझ लेना, ठीक है। तो अब यही रेजिन
जब जमीन के नीचे दफन हो जाती हैं तो लाखों वर्षों के बाद एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म एक बहुमूल्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो उन्हीं बहुमूल्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अंबर। ठीक है, अब वर्तमान समय में अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो ये जो रेजिम है, इस रेजिम में हमने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोकार्बन के गुण होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के गुण होने के कारण इनका इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में भी करते हैं। यानी रेजिन का इस्तेमाल किस में होता है, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में भी होता है, और इसी कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इसी पदार्थ को हम बोलते हैं एक तरीके से एसफॉल्ट। क्या बोलते हैं, एसफॉल्ट। यानी एसफॉल्ट क्या है, कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ, और वो होता क्या है आपका, रेजिन। ठीक है, यानी कि पेड़ों की छाल से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है जिसको हम रेजिन बोलते हैं, इस रेजिन में हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी होती है, और उसी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को हम कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उसी कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ को जिस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्फॉल्ट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पौधे भी क्या करते हैं, पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। ठीक है, लेकिन हमको मेनली पढ़ना किसको है, ह्यूमन को। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा तो पहले हो ही गई, फिर थोड़ा सा हम लोगों ने प्लांट को भी देख लिया, अब इसके बाद देखते हैं मेन पॉइंट पे चलते हैं कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अच्छा, अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ते, थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं जो कि बार बार टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आती रहेगी। ठीक है, अभी तो ह्यूमन के बारे में हम लोगों ने यह देखा कि ह्यूमन का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, बताया मैंने, यूरिया, अंबर का क्या यूज है, अंबर, जैसे आपका सोने का क्या यूज है, चांदी का क्या यूज है, प्लेटिनम का क्या यूज है, उसी तरीके से अंबर को हम एक बहुमूल्य धातु के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो है, स्लो ही तो है, तेज कहां है ज्योति जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्लो ही चलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, गैलेक्सी है 20 जी, आप किस स्टेट से हैं, सर आपका नाम भाई है गैलेक्सी है 20, आप अगर बिहार से होंगे तो अभी नहीं है, आप अगर राजस्थान से होंगे तो 2 तारीख को खुलने वाला है। ठीक है, अब अगर आप हरियाणा से होंगे तो खुल चुका है, मोस्टली स्टेट में 2 नवंबर से पूरी तरीके से, दिल्ली हो तो दिल्ली का थोड़ा इंतजार करो, यहां केजरीवाल जी हैं कि अब का पासा पलट देते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से खुलने की पूरी चांस है आपके। ठीक है, हाँ, जयपुर में 2 नवंबर से खुल रहा है। चलिए, अब कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा अब ये नहीं है, बिहार में भी नहीं खुलेगा भाई, बिहार में भी वोट दे दो तब खुलेगा, क्या भी क्या खुलने वाला है, अभी अब चुनाव का मजा लीजिए। चलिए, उत्सर्जी पदार्थ, अब देखिए, अभी मैंने बताया
कि जो ह्यूमन का है उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, तो केवल यूरिया ही अब अमन जी हमको ये नहीं पता है कि ऑनलाइन बंद हो जाएगी कि ऑफलाइन चालू होगी, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब डिपेंड ये करेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कि ऑफलाइन, तो आप अपने मैनेजमेंट से बात कर दीजिए, कर लीजिएगा, जैसा होगा वो आपको बता देंगे। अब यूरिया के अलावा बहुत सारे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और जो एनिमल जिस टाइप का उत्सर्जन करता है, जिस टाइप के पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जनरली उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, ठीक, यानी अमोनोटेलिक एनिमल। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन होते हैं? वे जंतु जो सामान्यतः अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी ये किसका उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया का। तो वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं अमोनोटेलिक जंतु। और जो अमोनिया होती है, जितने प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन सभी उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक विषैला पदार्थ होता है आपका अमोनिया, ठीक है, सर्वाधिक विषैला। और इसको उत्सर्जन करने वाले जो जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। और इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जलीय जंतु, ठीक है, या फिर कीट, कछुआ, या फिर अलवणीय मछलियां, ठीक है, फ्रेश वाटर जो फिश होती हैं वे, यानी मोस्टली जलीय जंतु किसका उत्सर्जन करते हैं आपके? अमोनिया का। तो जलीय जंतु, कीट पतंगे, कछुआ, ठीक है, और अलवणीय मछली, ये किसका उत्सर्जन करती हैं? अमोनिया का। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। दूसरे टाइप्स के जंतु हैं अमीनोटेलिक, अमीनोटेलिक एनिमल। तो जो अमीनोटेलिक एनिमल्स होते हैं ये सामान्यतः अमीनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमीनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और इसके अंतर्गत आती हैं आपकी समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां प्लस घोंघा। घोंघा देखा है? देखा होगा कुछ लोगों ने, शहर वाले तो नहीं देखे होंगे, गांव वाले देखे होंगे, बरसात में अक्सर निकलते हैं। और एक दवा होती है कॉड लीवर आयर, हाँ सोनकर जी देखें, हाँ बिल्कुल आकाश जी, पिक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है, इस घोंघे के लीवर से एक मेडिसिन बनाई जाती है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला होता है उसको कितना भी घी में डुबो दो, कितना भी प्रोटीनियस चीजें दे दो, कितना भी फैटी चीजें दे दो, अगर उसकी बॉडी में नहीं लगती है या वो मोटा नहीं होता है, तो इसी घोंघे का जो लीवर होता है उसको फ्राई करके खिलाया जाता है। और 3 महीने में जो उसकी बॉडी होती है ना, उसकी ओरिजिनल बॉडी की लगभग 3 टाइम्स हो जाती है। तो ये घोंघे के लीवर की क्वालिटी होती है, ठीक है। इसमें हाई अमाउंट में आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जो आपकी नेचुरल ग्रोथ करते हैं। ये नहीं कि स्टेराइड्स वाला इंजेक्शन और दवा लेके जिम में गए और उसके बाद अपनी बॉडी को मोटा कर लिए, नहीं, ये नेचुरल करता है। तीसरा है आपका, पहला तो अमीनोटेलिक, ठीक है, मेडिसिन है दिव्या जी, मेडिसिन इसकी बनती है, अमीनोटेलिक, ठीक है। तीसरे टाइप्स का है जिसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक वे एनिमल्स जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, किसका उत्सर्जन करते हैं?
यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जंतु को हम क्या बोलते हैं? यूरिकोकैरिक। और इसके अंतर्गत आपकी आती हैं छिपकलियां, सर्प एवं पक्षियां, ठीक है। ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का, ठीक है। चौथा है आपका यूरियो टेलिक, ठीक। यूरियो टेलिक का मतलब कि वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियो टेलिक। और इसके अंतर्गत कौन आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके आप लोग ह्यूमन, फ्रॉग्स, मैमल्स, ठीक है, जितने भी स्तनधारी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? यूरियोटेलिक के अंतर्गत। हां राजीव जी, सब नोट्स में होगा। तो वे जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, एक बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, आ चुका है क्वेश्चन। तो सर्वाधिक विषैला कौन सा है? अमोनिया। तो वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। वे जंतु जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। वे जंतु जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है? यूरियोटेलिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ये उनके उत्सर्जी पदार्थ है। तो पहले हम लोगों ने उत्सर्जन का डिफिनेशन देखा, फिर उसके बाद प्लांट में उत्सर्जन देखा, फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप के उत्सर्जी पदार्थ। उसी तरीके से जो आपके डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं उस एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स के उत्सर्जी अंग भी होते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, तो उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। तो मेन चीज है आपका, इसको क्वेश्चन पूछा गया है अमोनिया को, और ये पूछा गया है यूरियोटेलिक को कि मनुष्य किस कैटेगरी का है। और देखिए थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। अमोनोटेलिक अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक यूरियोटेलिक, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसके लिए आप सतर्क रहिएगा। फिर प्लांट को भी हम लोगों ने देखा कि प्लांट का उत्सर्जी पदार्थ, तो जो प्लांट का उत्सर्जी पदार्थ है वो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। उनके लिए तो लाभदायक नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। उसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स प्रोडक्ट भी होते हैं जो जंतुओं के लिए तो हानिकारक होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप शाकाहारी और कुछ लोग मांसाहारी हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसमें मांस का भी सेवन करते होंगे, है ना। साइंस के अनुसार तो शाकाहारी मांसाहारी कोई है ही नहीं है, सब कुछ सेम है। जिसमें जीवन है वो क्या है? उसमें जीव है। तो जीव तो पौधों में भी होता है, जिसमें ग्रोथ हो रही है उसमें जीव है। तो अगर आप अन्न भी खा रहे हो तो उसमें भी तो जीव है, उसमें भी जीवन है ना। फेंक दो मिट्टी में, पाके वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो साइंस के अनुसार वेज और नॉन वेज कुछ अलग नहीं है, सब दोनों एक ही है। अगर ना हो तो आप आग आग के आग जलाकर उस पे एक कप दूध गिरा दो और दूसरे आग पे मांस का टुकड़ा गिरा दो, दोनों की स्मेल एक जैसी होगी, क्योंकि दूध भी तो मांस प्रोडक्ट है भाई। ये भी तो गाय से ही निकल रही है ना, जंतुओं से निकलने वाला पदार्थ कैसे शाकाहारी हो सकता है? वो थीसिस पे आप मत जाइए, एथिक्स पे आप मत जाइए। अब फिर दूसरा बहस होता है कि नहीं ये मांस का बना हुआ चीज है, हम क्यों खाएं इसको। तो यहां मैं शाकाहारी मांसाहारी में नहीं जा रहा। आप शहद बड़े चाव से खाते हो, वो भी तो मधुमक्खी का प्रोडक्ट है, और मधुमक्खी वोमिटिंग करके शहद को बनाती है। सोच लो आप, हनी भी जब वोमिटिंग करती है तो आपका शहद बनता है ना। उसको हम बड़े चाव से खाते हैं वोमिटिंग की हुई, तो वो उनके लिए क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है? यूजफुल है, ठीक। अब हम चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। बट एक चीज आप जान जाइए कि ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना,
हमारी बॉडी है ही नहीं है ऐसी कि हम मांस का पचा सके। अगर हमारी बॉडी से एचसीएल निकल जाए तो हम मांस को नहीं पचा सकते हैं। जनरली हमारी बॉडी जो है वो शाकाहारी के लायक बनी हुई है, और ये वैज्ञानिक प्रूफ है कि जो एनर्जी लेवल होता है वो शाकाहारी प्रोडक्ट में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मांसाहार। ठीक है ना, चाहे वो प्रोटीन लेवल हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट लेवल हो, चाहे वो फैट लेवल, सभी में मांस की तुलना में ज्यादा कंटेंट होता है आपके शाकाहारी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं आपको मिल जाएंगे जो शुद्ध शाकाहारी हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, करते भी हैं अभी। ठीक, तो उस पे हमको नहीं जाना है शाकाहारी मांसाहारी में, ये बड़ा विवादित विषय है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ह्यूमन का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है हमारा, वो कौन सा है हमारा, ब्रिक है। तो सबसे पहले हम एक ब्रिक की संरचना देखेंगे। ये होता है हमारे एक किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरीके से हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है। कितनी? एक जोड़ी, दो की संख्या में होती है। सुरेंद्र जी, यूरियोटेलिक का जो एग्जांपल है वो ह्यूमन है और मैमल्स है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। अब जो ये आप ब्रिक देख रहे हो,
ऊपर है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, दो ब्रिक है, सबसे ऊपर लिखा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी, सॉरी प्रोडक्ट तो वैसे ही रह गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोडक्ट में सिस्टम है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो आप देख रहे हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका प्रमुख अंग होता है हमारा ब्रिक, और दो ब्रिक होती हैं हमारे शरीर में, और ये अगर ब्रिक की हम संरचना देखें तो देख रहे हैं कि राइट साइड वाला ब्रिक थोड़ा सा हम छोटा बनाए हैं और लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा हम बड़ा बनाए, ठीक है। तो हमारे शरीर में ब्रिक तो होता है दो, लेकिन एक्टिव होती है केवल एक, और जो एक्टिव होती है वो राइट साइड वाली एक्टिव होती है, ठीक है, कार्य करती है राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली जो आपकी है वो इसी तरीके से पड़ी रहती है, उनका कोई काम नहीं होता है। जब राइट किडनी कार्य करना बंद कर देती है तब लेफ्ट किडनी कार्य करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो राइट किडनी थोड़ी छोटी होती है बट वो एक्टिव होती है, लेकिन जो लेफ्ट किडनी होती है वो बड़ी होती है और वो वैसे ही पड़ी रहती है, उनका कोई काम नहीं होता है। किडनी के चारों तरफ जो एक झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को हम बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, और किसी भी किडनी का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसका भीतरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, और इसी किडनी से एक नलिका नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। जो हमारी ब्रिक होती है, हाँ फिर से बोल रहा हूं दिव्या जी सुन लीजिए, जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी दो किडनी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है बट फंक्शनल होती है, एक्टिव होती है, लेकिन जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी बड़ी होती है और वो वैसे ही पड़ी रहती है। अब फंक्शन होती है राइट किडनी, और किडनी के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम बोलते हैं पेरिटोनियम आवरण, किडनी का बाहरी हिस्सा कहलाता है आउटर भाग जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसका भीतरी हिस्सा कहलाता है मेड्यूला, ठीक है। अब दो किडनी क्यों होती है, आपके शरीर में दो आंखें होती हैं, दोनों काम करती हैं, है ना, फिर उसके बाद दो कान होते हैं, तो एक ही कान से सुनते हैं या दोनों कान से, दोनों कान से, है ना, दो पैर होती हैं, दोनों से चलते हैं, दो हाथ होती हैं, दोनों से काम करते हैं, तो क्या रीजन है कि दो किडनी है उसके बावजूद वो एक ही काम करती है ना। तो देखिए नेचर आपका कितना साथ देती है, क्योंकि प्रकृति को पता था कि हम इंसान को बना रहे हैं और इंसान इस दुनिया में जाएगा, कुछ करे या ना करे दारू जरूर पिएगा और उसकी एक किडनी खराब होगी, है ना, तो इसलिए नेचर ने एक और किडनी दे दिया आपके ऊपर, उपचार कर दिया कि चलो ठीक है एक खराब हो जाएगी दूसरे से काम चला लेना, है ना। और तब तक आप पी चुके होंगे लाइफ में बहुत, फिर आप बंद कर दीजिए दूसरे किडनी से, आप अंत तक काम चलाते रहिए। तो जब पहली किडनी काम कर, अच्छा देखो एक्टिव भी कौन सी होती है, बेचारी छोटी वाली, जो बड़ी वाली है उसको स्टे कर दिया, है ना, एक्टिव छोटी वाली होती है। तो अब जब एक काम करना बंद कर देती है तो दूसरा काम करना शुरू कर देती है, जो दोनों खराब हो जाती है तब हम कहते हैं कि व्यक्ति का किडनी फेल हो गया, एक पे नहीं। अब इसी किडनी से एक नलिका नुमा संरचना निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, ये इसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और इस किडनी में छोटे छोटे छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जो प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000 के आसपास होती हैं, और इन्हीं छोटी संरचना को हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, और ये जो नेफ्रॉन्स होती हैं, जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो इस ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है,
ठीक है। अब भगवान ने दो लीवर तनीसा जी नहीं बनाया तो इसमें हम क्या करें। लीवर तो एक ही है ना, एक ही लीवर काफी होता है। कि अब जो स्क्रिप्ट आपका किडनी है, इस किडनी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, संरचना पाई जाती हैं, इन संरचना को हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो वास्तव में जो किडनी का कार्य जो करता है वो यही नेफ्रॉन्स करता है, ठीक है। वास्तव में जो कार्य करता है वो क्या करता है, नेफ्रॉन्स करता है। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 130,000 की संख्या में छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स ही वास्तव में क्या करता है, ब्लड को छानता है, और ब्लड जब छानता है तो आपके शरीर में यूरिन का निर्माण होता है। तो ब्लड छानने का कौन काम करता है, नेफ्रॉन्स। तो यूरिन भी निर्माण करने का कौन कार्य करता है, नेफ्रॉन्स। इसलिए नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। वास्तव में कार्य कौन करता है, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स जिस पार्ट से आपके यूरेटर में एंट्री करता है वह पार्ट कहलाता है हाइलस, ठीक है। तो अब ये जो नेफ्रॉन्स है ब्लड को छानेगा, और ब्लड को छानने के बाद जब वो पदार्थ को इस यूरेटर में रिलीज करेगा तो जो पदार्थ आपके यूरेटर में पहुंचता है उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यूरिन। तो यूरिन का निर्माण कहां होता है, ब्रिक के नेफ्रॉन्स में। किसके फलस्वरूप, रुधिर के छनने के फलस्वरूप। अभी मैं फिगर से भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आप इतना समझो कि इस ब्रिक में एक छोटी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, और ये जो नेफ्रॉन्स होती है ये उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कंफर्म, इतना सही। अब इसके बाद जब आपका यूरेटर में यूरिन पहुंचता है तो अब इसी यूरेटर के नीचे एक थैली नुमा संरचना होती है, इस थैली नुमा संरचना को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। इस यूरिनरी ब्लडर में जो यहां से यूरिन आता है वो इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होते होते जब इस ब्लैडर थैली का थोड़ा सा खिंचाव होता है, जब इसमें यूरिन इकट्ठा होगा तो फैलेगा ही, और जब ये फैलेगा तो यहां पे जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये तुरंत तंत्रिका कोशिकाएं ब्रेन को मैसेज भेज देती हैं कि आप तुरंत भागो। तो हम क्या करते हैं, तुरंत फिर टॉयलेट करने जाते हैं। तो फिर ये यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे चल के आपके यूरेथ्रा से जुड़ जाती है, और फिर ये यूरेथ्रा आपके मेल और फीमेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जाके जुड़ जाते हैं, यानी आपके जनन अंगों से जुड़ जाते हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, मेल में यूरिन डिस्चार्ज का जो पोर्स होता है और उनका जो मेटिंग पोर्स होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल का दोनों पार्ट क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जो मेल का होता है वो एक ही नलिका होती है, उसी नलिका से उनका सीमन भी डिस्चार्ज होता है, उसी नलिका से उनका यूरिन भी डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो फीमेल का होता है यूरिन डिस्चार्ज के अलग पार्ट होते हैं और उनके वेजाइनल ओव्यूलेशन के पार्ट अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मेल में कॉमन होता है। तो अब ये यूरिनरी ब्लैडर कहां जुड़ जाती है, आपके यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा फिर कहां जुड़ जाता है, आपके जनन अंगों से। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है आपका किसका, ब्रिक का, ठीक है। तो अब जो इस ब्रिक का मेन पार्ट है वो क्या है, हमारा नेफ्रॉन्स। और इसी नेफ्रॉन्स में हमारा ब्लड क्या होता है, छनता है, और ब्लड के छनने के फलस्वरूप ही यूरिन का निर्माण होता है। तो नेफ्रॉन्स रुधिर को छानकर यूरिन को बनाता है, और जो पार्ट आपका इस यूरेटर में पहुंच जाता है उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरिन। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर निकल जाता है। ब्लड छानने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हम नेफ्रॉन्स को बोलते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। जनरली जो हमारी किडनी होती है इसका सामान्य वजन जो होता है 160 ग्राम के आसपास होता है, और ये लगभग 10 सेंटीमीटर आपका लंबा होता है,
और 5 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ा होता है, ठीक है, और ये रहती हैं आपके, हाँ दोनों किडनी में होगा रामेश्वरी जी, दोनों किडनी में होता है, ठीक है, और ये आपके, अरे छोटी वाली में भी नेफ्रांस होता है, सब में नेफ्रांस होता है, ठीक है, क्योंकि नेफ्रांस ही तो मेन काम करता है, और ये आपके बॉडी में स्थित होती हैं आपके रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ, ठीक है, यानी जैसे बीच में यहां पे रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी के एक तरफ लेफ्ट पोर्शन वाला होता है और एक तरफ आपका राइट पोर्शन वाला होता है, ठीक है, जो राइट पोर्शन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और कुछ नीचे की तरफ झुका होता है, प्रोजेक्टर है नहीं वरना मैं आपको दिखा देता, और नीचे की तरफ इसलिए झुकी होती है क्योंकि इसी से अटैच होती है आपकी लीवर, तो लीवर की वजह से थोड़ा क्या होती है नीचे की तरफ झुकी होती है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं आपको जिनकी दोनों किडनी एक ही साइड में होती है, सामान्यतः हर व्यक्तियों के अंदर जो ब्रिक होता है एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में जो ये ब्रिक होती हैं, वो दोनों की दोनों किडनियां एक साइड में होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर किडनी एक साइड में हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं मेल रोटेटेड, ठीक, नहीं सुरेंद्र जी राइट वाली किडनी एक्टिव रहती है, जो छोटी वाली है वो एक्टिव रहती है, किडनी जो होती है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है, लेकिन यदि यह एक ही तरफ हो चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेल रोटेटेड किडनी। नहीं आकाश जी, जो किडनी हम डोनेट करते हैं ना जनरली बाई किडनी डोनेट की जाती है, जो एक्टिव रहती है उसको हम डोनेट नहीं करते हैं, और किडनी डोनेट इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजों को इसमें मिलाया जाता है। हाँ डोनेट कर देंगे तो फिर क्या होगा, स्पेस रह जाता क्या सेकेंड साइड में, स्पेस रह जाता होगा, हाँ बिल्कुल, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं मेल रोटेटेड किडनी, ठीक है। विशाल जी जनरली तो लीवर डोनेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लीवर ऑटोनॉमस ऑर्गन होता है, खुद से रिपेयर होता है, और कभी कभी जो लीवर होता है जनरली वो 90% केस में डोनेट करने के बाद सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। किडनी का भी अभी तक रिकॉर्ड देखा गया है कि 2 या 3 साल तक सही ढंग से काम करता है, उसके बाद ये भी काम नहीं करता है। तो हमारा बॉडी भी ना आप समझ जाइए कि इंजन बाइक की तरह है, ठीक है, हाँ दोनों एक साइड में हो सकती है। जैसे आपकी बाइक आप नया लीजिए तो एवरेज सही देता है, और एक बार अगर सर्विसिंग करवा दिए तो एवरेज में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, फिर आप लाख कोशिश करो नहीं जैसा नहीं रहता है। उसी तरीके से आपका भी शरीर है, भगवान ने इतना अच्छा सुंदर बनाया, एक बार अगर इसमें तोड़ फोड़ हो गया तो फिर आप सोचो कि पहले जैसा रहेगा, तो ये बहुत मुश्किल है, इसलिए शरीर को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, है ना, इतनी अच्छी शरीर भगवान ने बनाया है। डिसएडवांटेज कुछ नहीं है रामेश्वरी जी, सही प्रॉपर रूप में काम करता है। जो सुरेंद्र जी जो किडनी होती है हमारी वो हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है लेफ्ट और राइट, लेकिन अगर ये एक ही साइड हो तब हम इसको बोलते हैं मेल रोटेटेड। अब इस किडनी का जो पार्ट है नेफ्रांस, थोड़ा सा हम इसको नेफ्रांस को देखते हैं। अब अभी हमने बोला कि मेन काम जो करता है वो कौन सा करता है हमारा नेफ्रांस, और इस वजह से नेफ्रांस को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र की इकाई भी कहा जाता है, और ये प्रत्येक ब्रिक में लगभग 1,30,000 के आसपास होती हैं। तो जो प्रत्येक जो नेफ्रांस होता है, ये नेफ्रांस भी दो भाग में बटा होता है, तो प्रत्येक नेफ्रांस के दो पार्ट होते हैं,
एक को हम बोलते हैं मेलफिजियन पार्ट्स और दूसरे को हम बोलते हैं रीनल पार्ट। तो जो नेफ्रॉन्स है हमारे, इनके दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं रीनल पार्ट, ठीक है। अब जो मेलफिजियन पार्ट होता है, ये अगेन दो भाग में बटा होता है, एक को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे को हम बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल। अब जो रीनल पार्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके भी दो भाग होते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, नलिका होती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट कहीं मोटी कहीं पतली, तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटर ट्यूब्यूल, और दूसरी होती है डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ज्यादा नहीं जानना है इसको, तो उतना जानना ही नहीं, बस जानिए रीनल पार्ट होता है नलिका जैसी संरचना होती है, बस और कुछ नहीं, उसके डीप में हमको नहीं जाना। तो अब जो हमारा नेफ्रॉन्स होता है, ये नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं, पहला होता है मेलफिजियन पार्ट, दूसरा होता है रीनल पार्ट। तो जो मेलफिजियन पार्ट होता है वह ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल से मिलकर बना होता है, रीनल पार्ट जो होता है वो नलिका टाइप संरचना होती है। तो जो ब्लड हमारा छनता है, ब्लड हमारा इसी नेफ्रॉन्स में छनता है, और ब्लड के छनने के फलस्वरूप क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसी नेफ्रॉन्स द्वारा दो प्रकार की क्रिया की जाती है जिससे हमारे शरीर में ब्लड छनता है और यूरिन का निर्माण होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का, किसका काम करते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन का, यानी ये रुधिर को छानते हैं, ठीक है। और छानने के बाद जब रुधिर छनता है तो उस छने हुए पदार्थ में केवल ब्लड ब्लड की पार्ट नहीं छनते, उसमें कुछ पोषक पदार्थ, कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन्स, ये सब भी क्या होते हैं, उनसे छन जाते हैं। तो छने हुए पदार्थों का फिर ये जो रीनल पार्ट है वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण कर लेता है। यानी एक तो फिल्ट्रेशन होता है, इसको एक तरीके से बोलते हैं परा निस्यंदन, सॉरी निस्पंदन, परा निस्पंदन भी बोलते हैं, आप फिल्ट्रेशन ही समझिएगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया कौन करता है हमारा, नेफ्रॉन्स। पहला काम करता है ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, और जब ब्लड को फिल्ट्रेट करता है तो छने हुए पार्ट से भी सारे मैक्सिमम पार्ट को क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है, पुनः अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका यूरिन। तो नेफ्रॉन्स के बेसिकली दो पार्ट, मेलफिजियन पार्ट क्या करता है, अभी फिगर से बताऊंगा, एग्जैक्ट पूरा समझ में आ जाएगा, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, और इसका जो रीनल पार्ट है वो क्या काम करता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, करेक्ट। इसको चार्ट को बना लिया, बन गया है सबका ना,
चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहां होगा? इसी नेफ्रॉन से होगा, ब्लड के छनने के फलस्वरूप। ठीक है, हाँ प्रमोद जी, नीचे वाला क्या नहीं दिख रहा है? परानिस्पंदन बोलते हैं इसको। एक मिनट, कैमरे की सेटिंग, वन मिनट थोड़ा वेट करिए। ठीक है, दिख रहा है ना? क्लियर। चलिए, हाँ नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं मैल्थीजियन पार्ट और दूसरे भाग को हम बोलते हैं, नहीं मोबाइल से नहीं पढ़ाते हैं भाई, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रीनल पार्ट। तो मैल्थीजियन पार्ट जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लोमेरुलस और वेमेंस कैप्सूल, और रीनल पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसका जो मैल्थीजियन पार्ट है वो क्या काम करता है? रुधिर को छानता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन। और दूसरा पार्ट जो होता है वो रीअब्सॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, अब इसको हम देखिए फिगर से हमें समझेंगे एक बार। एक नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं ग्लो मेरुलस। ठीक है, इसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल, और इसी ग्लो मेरुलस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोडो साइट्स। ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन हमारा कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक, तो एक आपके नेफ्रॉन्स की इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या होता है। अब इस नेफ्रॉन्स में ब्लड आता है, ब्लड फिल्ट्रेट करता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, और फाइनली जो नेफ्रॉन्स से आपका छना हुआ पार्ट बाहर निकलता है उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। तो इस नेफ्रॉन्स में लगभग एक धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट धमनी। एफरेंट धमनी ये क्या करती है? 1200 मिलीलीटर ब्लड प्रति मिनट लाती है, यानी एक मिनट में कितना ब्लड लाती है? 1200 मिलीलीटर। और ये जो 1200 मिलीलीटर ब्लड लाती हैं, अगर उसमें देखा जाए
तो उसमें 660 जो मिलीलीटर होता है वह तो प्लाज्मा है, जबकि 540 मिलीलीटर जो होती है वो होती है ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि रुधिर कणिकाएं, और इन रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यही तो है रुधिर कणिकाएं। तो ये लेके कौन आती है, एफरेंट धमनी, कितना लेके आती है 1200 मिलीलीटर पर मिनट। अब जब ये ग्लोमेरुलस में एंट्री करती हैं, तो फिर ये धमनियां बहुत थिन और ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। फिर इस ग्लोमेरुलस के दूसरे हिस्से से निकलती हैं, यहां पे ऊपर दिख रहा है, जो बाहर निकलते हैं इनको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी, इफरेंट धमनी, ठीक है। अब जो बाहर यहां पे ब्लड निकलता है उसकी वैल्यू होती है 1080 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक। अब ये जो 1080 मिलीलीटर पर मिनट जो ब्लड बाहर निकलता है, इसको हम देखें तो इसमें 540 मिलीलीटर तो प्लाज्मा होती है और फिर 540 मिलीलीटर आपकी होती है कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं होती है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखो ग्लोमेरुलस में एंट्री कितना की, 1200 मिलीलीटर, बाहर कितना निकली 1080, बचा कितना 120 मिलीलीटर पर मिनट। तो कितना ब्लड छना, 120 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड कहां हुआ, इस ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर कहां चला आया, बोमेंस कैप्सूल में, किसके थ्रू, पोडोसाइट्स छिद्र होता है इसके थ्रू। और अब ध्यान यहां देने वाली बात है, लिखना बंद करिए, थोड़ा समझ लीजिए यहां पर, कि ब्लड का कौन सा पार्ट फिल्ट्रेट होता है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर 1200 मिलीलीटर ब्लड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे 660 मिलीलीटर प्लाज्मा है और 540 मिलीलीटर हमारा ब्लड का कॉर्पसल्स है, ठीक है। जो बाहर ब्लड निकल रहा है उसकी वैल्यू देखिए 540 मिलीलीटर प्लाज्मा और 540 मिलीलीटर हमारा क्या है, ब्लड का कॉर्पसल्स, ठीक है। तो किसके में से किसकी वैल्यू कम हुई, प्लाज्मा में से ही तो कम हुई, कॉर्पसल तो उतना ही है, 540 यहां पे भी है, 540 यहां पे भी है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं छनते हैं। वो इसलिए नहीं छनते हैं कि ये छिद्र इतना महीन होता है कि इसमें से रुधिर कोशिकाएं नहीं छन पाती हैं, केवल क्या छनता है, प्लाज्मा में घुला हुआ पदार्थ, क्लियर। और उसमें से भी देखो 660 मिलीलीटर यहां प्लाज्मा पहुंचता है और केवल कितना फिल्ट्रेट हुआ, 120, बाकी 540 फिर क्या हो गया, आगे निकल जाता है। तो ये जो प्लाज्मा में घुला हुआ अब जो आपका है यूरिया, क्योंकि मैंने बताया था ना यूरिया कहां बना, यकृत में, यकृत में यूरिया बना, फिर कहां चला गया आपके, प्लाज्मा में। तो अब फिर जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि शरीर के सभी पदार्थ जो है प्लाज्मा में घुलते हैं और प्लाज्मा के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, पहुंचते हैं। तो अब जब यहां से प्लाज्मा छना तो कितना छना, 120 मिलीलीटर प्रति मिनट। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात है कि जो यहां पे प्लाज्मा छनता है ये केवल घुलित यूरिया ही नहीं होता, अब यूरिया के साथ बहुत मात्रा में वाटर भी आता है, वाटर के साथ दूसरे पदार्थ भी आते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन भी चले आते हैं। तो जब ये पार्ट आपका यहां पे छन के आता है तो छनने के बाद जब इस रीनल ट्रिब्यूल से में वो ट्रेवल करता है
तो ट्रेवल करने के दौरान यहां पर उन उनमें से जो 120 मिलीलीटर प्रति मिनट छना है, तो उन छने हुए पदार्थों में भी लगभग 99% पार्ट क्या जाता है यहां पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। कहां पे? रिनल ट्यूब्यूल्स में। तो केवल 1% ही पार्ट जो होता है वो आपके इस नेफ्रांस से बाहर निकलता है। तो जो नेफ्रांस से 1% पार्ट बाहर निकलता है वही क्या कहलाता है? हमारा यूरिन। क्लियर? अब जो यहां पे ब्लड आपका छनता है, देखिए कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ब्लड आया और ब्लड छना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अब क्या ऐसा रीजन होता है कि इस ग्लोमेरुलस से ब्लड छनकर आपके बोमेंस कैप्सूल में पहुंच जाता है? तो यहां पर एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब इमेजिन करिए ये हमारी किडनी, ठीक है, इसी किडनी में हमारा ये क्या है नेफ्रांस, ठीक है, और इस नेफ्रांस का ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेंस कैप्सूल। तो इस ग्लोमेरुलस पर ना एक अंदर की तरफ प्रेशर लगता है, अंदर की तरफ एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहां समझिए, बाहर से अंदर की तरफ एक प्रेशर यहां पे लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इस प्रेशर की वैल्यू होती है 75 mmHg। कितनी होती है? 75 mmHg। अब जो यहां पे आपका ब्लड पहुंचा है तो इन नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं के पहले जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कोशिकाएं भी हैं, दूसरे पदार्थ भी हैं, तो इन ब्लड में जो पदार्थ है उनके द्वारा इनकी नलिकाओं के ऊपर एक प्रेशर लगता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 30 mmHg। और इन नलिकाओं के द्वारा एक और प्रेशर जनरेट होता है, वह भी ऊपर की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसकी वैल्यू होती है 20 mmHg। तो अब आप देखो, एक प्रेशर ऊपर से नीचे और दो प्रेशर ऊपर से नीचे से ऊपर, इन्हीं सब प्रेशर का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसको बोलते हैं EFP। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर क्या हो जाता है? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये है हमारा 75 माइनस 30 प्लस 20, तो रिजल्टेंट कितना आया? 25 mmHg। कितना आया? 25 mmHg। अब ये जो 25 mmHg है, यही वो प्रेशर है 25 mmHg, ठीक है, ठीक। हाँ प्रियंका जी, अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यही जो 25 mmHg का जो प्रेशर है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो 25 mmHg का प्रेशर है, इसी प्रेशर के द्वारा हमारा ब्लड क्या होता है? ग्लोमेरुलस में छनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा रुधिर दाब है जिसके कारण किडनी में हमारा जो रुधिर है वो छनता है, तो प्रेशर कौन सा है? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 mmHg।
अच्छा जी, क्लियर। आइए हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारा जो नेफ्रॉन्स होता है, प्रत्येक किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, यही वास्तव में क्या करते हैं, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। तो नेफ्रॉन्स में जो ब्लड हमारा पहुंचता है वो कितना पहुंचता है, 1200 मिलीलीटर पर मिनट। और ये जो 1200 मिलीलीटर पर मिनट हमारा ब्लड पहुंचा, तो इन 1200 मिलीलीटर पर मिनट में 660 मिलीलीटर प्लाज्मा और 540 मिलीलीटर क्या है, ब्लड कॉर्पस। जब ये आपके ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचते हैं, तो ग्लोमेरुलस में पहुंचने के बाद यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है, ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर काम करता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 75 mmHg। नीचे से ऊपर की तरफ दो प्रेशर काम करते हैं, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 30 mmHg, कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 20 mmHg। ये दोनों ऊपर की तरफ पूरा 50, ऊपर से नीचे की तरफ कितना 75, रिजल्टेंट इनका कितना आया 25 mmHg। तो यही जो 25 mmHg है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसी प्रेशर के कारण जो हमारा ब्लड है, वह जो प्लाज्मा है, वह ग्लोमेरुलस से पोरोसाइट्स के द्वारा छन कर कहां चलाता है, वोमेंस कैप्सूल में चलाता है, ठीक है। अब जो बचा हुआ ब्लड है वो बाहर क्रॉस कर जाता है, तो बचा हुआ ब्लड कितना है 1080, और उस 1080 में आप देखो 540 वहां पे भी ब्लड का, 540 यहां पे, तो आखिर ब्लड का कौन सा पार्ट छनता है, प्लाज्मा छनता है। और हमको पहले से पता है कि सारे पदार्थ कहां पे घुले होते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो यहां पर 120 मिलीलीटर ब्लड हमारा छन कर आता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 120 मिलीलीटर ब्लड छनता है, ये जो छना हुआ ब्लड आपका जब रीनल पार्ट में पहुंचता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल करता है, तो छने हुए पार्ट का भी 99% पार्ट रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है, ठीक है। यानी उसमें से भी जितने लाभदायक पदार्थ हैं वो क्या जाते हैं, पुनः अवशोषित जाते हैं, केवल 1% भाग ही यूरिन का भाग बनता है, केवल 1% भाग, ठीक। तो प्रति मिनट आपके नेफ्रॉन्स द्वारा कितना ब्लड फिल्ट्रेट हुआ, 120 मिलीलीटर प्रति मिनट। तो अगर हम ये कहें कि प्रक्रिया कौन सी हुई इसमें, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, यहां पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, इसको परानिस्पंदन भी बोलते हैं, और यहां पर क्या हुआ, रीअब्सॉर्प्शन, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब जो आपका ये ब्लड क्षमता है 120 मिलीलीटर प्रति मिनट, तो अगर हम डे वाइज कंट्रोल करें या डे वाइज हम इसको कैलकुलेट करें, तो प्रतिदिन हमारे शरीर में लगभग 180 लीटर ब्लड को छाना जाता है, कितना 180 लीटर ब्लड को हमारा किडनी, एक किडनी क्या करती है, 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। तो इस 180 लीटर ब्लड का पुनः क्या हो जाएगा, अवशोषण। तो इस अवशोषण होने के बाद लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर के आसपास क्या बनता है, यूरिन। यानी प्रतिदिन हमारी जो किडनी है वो लगभग 180 लीटर ब्लड को छानती है, और 180 लीटर के ब्लड के छानने के फलस्वरूप लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन का वो निर्माण करती है। और ये जो यूरिन का निर्माण है आपके भौतिक दशाओं पर भी निर्भर करता है, ठीक है।
जो हमारी वो होती है फिजिकल कंडीशन, आप देखते हैं जाड़े में आपको यूरिनेशन ज्यादा आता है, गर्मियों में यूरिनेशन कम आता है, उसके पीछे रीजन क्या आता है कि जाड़े में पसीना नहीं निकलता है आपका, तो इस वजह से यूरिनेशन ज्यादा होता है, और कहीं रात को चावल सब्जी खा के सो जाओ तो और नरक हो जाता है। तो लगभग 180 लीटर ब्लड हमारा क्या होता है पर डे छनता है, और पर डे छनने के बाद उसका भी 99% भाग क्या हो जाता है पुनः अवशोषित हो जाता है, सीओपी मीन्स कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, और केवल 1% भाग ही क्या होता है यूरिन का निर्माण करता है। ठीक है, अब हमारे जो यूरिन है उसमें से मेन पदार्थ क्या है, यूरिया। ठीक है, अब यूरिया का जो निर्माण होता है ये आपके यकृत में होता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत में एक विशेष प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। अभी स्टोन कैसे बनेगा बाद में बताएंगे, अभी पढ़ तो लो, सीधे स्टोन ही आ गए। ठीक, अब जो आपके ग्लोमेरुलस में, दिव्या जी फिर से सुन लीजिए, जो ग्लोमेरुलस में प्रेशर जनरेट होता है वो तीन प्रकार के प्रेशर होते हैं, ऊपर से नीचे तक ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 75 mmHg, नीचे से ऊपर की तरफ दो प्रेशर, पहला ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू 30 mmHg, दूसरा कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 20 mmHg, इन दोनों का योग 50 और ऊपर से नीचे तक 75, तो रिजल्टेंट कितना आता है 25। यही वो प्रेशर है जिसके फलस्वरूप हमारा जो ब्लड होता है ग्लोमेरुलस से छनकर कहां चलाता है, बोमेंस कैप्सूल में चलाता है। तो अब प्लाज्मा में हमारे यूरिया घुली हुई है, तो आपके लीवर में जैसे आपने खाना खाया तो खाने में जो प्रोटीन है इस प्रोटीन में अमोनिया ग्रुप भी होता है, तो हमारा जो लीवर क्या करता है इस प्रोटीन से अमोनिया को अलग कर देता है, तो प्रोटीन से अमोनिया को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन। उसको हम बोलते हैं डी एमिनेशन, यानी डी एमिनेशन के द्वारा हमारा जो यकृत कोशिका होती है वो यकृत कोशिकाएं प्रोटीन से अमोनिया को क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं, और फिर उसी अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देता है NH2CO NH2, यूरिया का यही फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं शायद यही होता है NH2CO NH2। ठीक है, क्या बना देती है, यूरिया बना देती है, और जब ये यूरिया बना देती है तो फिर ये यूरिया कहां चला जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में घुल जाता है, और फिर वृक्क के निफास के द्वारा वो छनकर बाहर निकल देता है। तो प्रोटीन से यूरिया बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लीवर में चलती है, और जिस साइकिल के साथ चलती है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है इसको, या ऑर्निथिन के अलावा हम इसको बोलते हैं क्रैब्स हैंड्स लेट साइकिल भी इसको बोलते हैं, दोनों का बात एक ही मतलब है। तो अब उस साइकिल को पढ़ना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ जाइएगा कि ऑर्निथिन साइकिल द्वारा जो हमारा लीवर है वो यूरिया में अमोनिया को, सॉरी प्रोटीन को यूरिया में बदल देता है, प्रोटीन के अमोनिया। मिसाल जी किडनी, अभी डिजीज में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका आ जाएगा स्टोन, काहे परेशान हो रहे, कई लोगों का क्वेश्चन है स्टोन 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 कुछ नहीं होता है। अब खाओगे पिज्जा, खाओगे बर्गर, पियोगे कोल्ड ड्रिंक, तो स्टोन तो बनेगा ही ना, बॉडी में स्टोन बनने का मेन कारण जो दूषित जल वगैरह सब होता है,
वो अभी आएगा डिजीज में, तो मैं आपको स्टोन वहां पर डिफाइन करूंगा। वो कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फास्फेट का मिश्रण होता है। ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। अब देखिए जो आपका यूरिया है, अब प्रियंका जी जो आपके लीवर सेल्स होती हैं, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, नेफ्रांस के बाद का समझ नहीं आया क्या? नेफ्रांस के बाद का समझ नहीं है, हाँ हर्ष जी, जो प्रोटीन होता है प्रोटीन में अमोनिया ग्रुप भी होता है, तो लीवर क्या करता है उस प्रोटीन से अमोनिया ग्रुप को अलग कर देता है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो बन जाता है आपका यूरिया, ठीक है। इसीलिए जो हाई लेवल के प्रोटीन आप जो खाते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल ज्यादा हो जाता है, देखिए उनके अंदर यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, ठीक है। अब नेफ्रांस के बाद का समझ नहीं आया, नेफ्रांस के बाद का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वो बता दीजिएगा तो मैं समझा दूंगा। अब जो आपने अभी देखा यूरिन का निर्माण, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने कहीं नहीं देखा कि यूरिन के निर्माण में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहां पे नहीं होता। वनली क्या हो रहा है, भौतिक प्रक्रिया, आप देख रहे हो यहां से ब्लड आ रहा है, यहां फिल्ट्रेट हो रहा है, चल रहा है और फिर यहां पे दोबारा अवशोषित हो जाता है। यानी कि यूरिन के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं होती, केवल भौतिक प्रक्रिया होती है, जबकि यूरिया के निर्माण में जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। आप देख रहे हो ना, यहां यूरिया के निर्माण में जैव रासायनिक प्रक्रिया भाग लेती है, लेकिन यूरिन के निर्माण में केवल और केवल क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इन चीज को हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा चलते हैं, देखते हैं कि वास्तव में यूरिन में अब होता क्या क्या, ठीक है। तो ये तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं क्या क्या यूरिन में होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि इनके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो यूरिन में भी आपके लगभग 95% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक, 95% वाटर होता है, 2% के आसपास साल्ट होते हैं, ठीक है, 0.3% के आसपास यूरिक एसिड होता है, ठीक, और नियर अबाउट 2.5 या 2.6% के आसपास यूरिया होता है। तो केमिकल कंपोनेंट आपके ये हो गए। दूसरा कलर, जो इसका रंग होता है, जनरली यूरिन का रंग कैसा होता है, पीला कलर, और ये पीला कलर क्यों होता है, यूरो क्रोम, एक यूरो क्रोम नामक पदार्थ के बनने के कारण होता है। तो इस यूरो क्रोम को भी कौन बनाती है, लीवर, यकृत कोशिकाएं बनाती हैं, और कैसे बनाती हैं, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है, यूरोक्रोम, ये पीले रंग का पदार्थ होता है, इसी के कारण हमारा जो यूरिन होता है वो कैसा दिखता है, पीला रंग दिखता है। अब अगर इसके हम पीएच की बात करें, तो पीएच जनरली इसका कितना होता है, 6,
लेकिन ये वेरी करता है नहीं दीपक जी, नहीं किया जा सकता है यूरिन को, क्योंकि उसमें सॉल्ट यूरिक एसिड और यूरिया भी होता है, ठीक, जो कि अब जितना आप यूरिया निकाल लो दोबारा फिर यूरिया इंटेक कर लोगे तो फायदा क्या। पीएच इसका होता है 6, एक वाला कौन सा है मतलब नहीं, चलिए अरे बता, जो पीएच है इसका वैरी करता है 4.5 से 8.2 के बीच में इसका वैरी करता है पीएच। जनरली हमारा पीएच होता है 6, ठीक है। अमाउंट की बात करें एक से 1.5 लीटर या कभी कभी 2 लीटर, ये मेन अमाउंट होता है हमारा, ठीक है। पांचवा अगर हम बात करें गंध की, ठीक है, कि यूरिन की जो होती है वो गंध कैसे होती, कैसी होती है, तो आप देखते हो कि यूरिन डिस्चार्ज करने में आपकी गंध यूरिया जैसी नहीं आती। हमेशा जो यूरिन की जो गंध होती है वो एक प्रकार की अमोनिया जैसी होती है, यानी इनकी गंध कैसी होती है, अमोनिया जैसी, ठीक। अब क्यों अमोनिया जैसी होती है, कि जब हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो हमारे वातावरण में उपस्थित जो बैक्टीरिया होती है उसको हम बोलते हैं अमोनोफाइन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करती है, तुरंत यूरिया को किसमें बदल देती है, अमोनिया में बदल देती है। इसलिए हमारे जो यूरिन की जो गंध आती है वो कैसी होती है, अमोनिया के जैसी, ठीक, क्लियर। तो हमारे जो यूरिन का कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, उसमें 90% वाटर, 2% साल्ट, 0.3% यूरिक एसिड और 2.6% यूरिया। इसका रंग कैसा होता है, पीला, किसके कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। यूरोक्रोम कहां बनता है, लिवर में हीमोग्लोबिन के विखंडन से। पीएच इसका कितना होता है 6, 4.5 से 8.2 के बीच वेरी करता है। अमाउंट 1 से 2 लीटर के मध्य, जनरली 1.5 लीटर होता है। गंध कैसा होता है, अमोनिया जैसी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी यूरिन है, जो ब्रिक है, तो किडनी द्वारा जो यूरिन का निर्माण होता है, तो किडनी द्वारा यूरिन के निर्माण में कुछ हार्मोन्स भी भाग लेते हैं, ठीक है। हार्मोन्स मतलब ये कौन से हार्मोन्स हैं जो ब्रिक के द्वारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो पहला हार्मोन है उसमें ए बी एच, इसको हम बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन्स। दूसरा है आपका कार्टिको स्टेरॉयड, दूसरा हार्मोन्स है कार्टिको स्टेरॉयड्स। तीसरा हार्मोन्स है आपका ग्लूको स्टेरॉयड्स। चौथा हार्मोन है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्लियर।
नहीं, ये हार्मोन्स यूरिन में नहीं होते हैं, यूरिन के निर्माण में मदद करते हैं। हाँ, यूरिया अलग चीज होता है संगीता जी, और यूरिक एसिड अलग चीज होती है, केमिकल कंपोजिशन उनका अलग अलग होता है। प्रियंका जी, पहले वाले का नाम है एंटी, ANTI, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, या ADH हार्मोन्स बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं सेंड कर दूंगा। यूरिन का बार बार आना, अमोनिया जैसी इसलिए होती है क्योंकि जो यूरिया होता है हमारा, आपके एटमॉस्फेयर में जो जीवाणु होते हैं ना, ये जीवाणु अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं, इसलिए इसकी गंध जो होती है वो यूरिया जैसी होती है। चाय पीने से एसिडिटी बनती है गैलेक्सी जी, और एसिडिटी जब बनती है तो यूरिनेशन की प्रक्रिया तेज रहती है। इंद्रजीत जी, ट्यूबेरियस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, नई ग्लैंड्स खोजी गई, एक प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। यूरिया को ऑर्निथिन साइकिल जो है रामेश्वरी जी, ये लीवर में यूरिया की बनाने की प्रक्रिया है। अरे इंद्रजीत जी, जो सब्जेक्ट चला करे उसको पूछा करो ना, है ना, अब नॉलेज की परीक्षा मत लिया करो कि नॉलेज है कि नहीं है। ट्यूबेरियर ग्लैंड, अभी एक नई प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड खोजी गई है, हाल ही के चर्चा में रही है, तो जब ग्लैंड आएगा तो इसकी चर्चा होगी, काहे आप परेशान हो रहे।